और अब रुख करते हैं अहम खबर का। पश्चिम बंगाल से ही संदेश खाली को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सफाई भी दी। आधार कार्ड नो आधार कार्ड आमादे कोनो स्कीम बंद होवे ना, आम्रा आमादे कार्डेर माध्यमे आम्रा स्टेट गवर्नमेंट चालिए जाबो। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों के आधार नहीं होंगे उन्हें भी सरकारी योजना के लाभ दिए जाएंगे। ममता बनर्जी की घोषणा के एक दिन बाद आज बनगांव से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तकनीकी कारणों से आधार निष्क्रिय हो रहे हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिनके कार्ड बंद हुए हैं वे तुरंत चालू हो जाएंगे। हमने इसको गृह मंत्री जी के द्वारा उनके दफ्तर के द्वारा इसका समाधान कर देंगे। आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा और आपका आधार कार्ड जो डीएक्टिवेट हो चुका था ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये मैं आज आप लोगों को यहाँ समक्ष मैं बोल रहा हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि कुल कितने लोगों के आधार निष्क्रिय हुए हैं ये आंकड़ा अभी नहीं आया है। उन्होंने आशंका जताई कि ज्यादातर मामले बांग्लादेशी नागरिकों के हो सकते हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं अमेठी, जहां राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं आने दिया, उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा, मजदूर का देखा, पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा, उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा, उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन देखा? ऐश्वर्य राय देखी? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम उनका देगा। काम लेने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया, पाकिस्तान में क्या हो गया? ओ भैया उधर देखो, अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा। ओ देखो भैया, ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे, सब भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने? वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आज मैंने फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। यह है हिंदुस्तान। आप देखो, किसान किसान को समझो। नरेंद्र मोदी जी ने बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते, क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। और एक्सरे करेगी भैया, बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। आपको यही सवाल पूछना है, आपको इधर उधर नहीं देखना।
इधर उधर नहीं देखना, आपने सुबह एक सवाल पूछना है। ये सोने की चिड़िया है, इसने आज सुबह अंबानी को इतना पैसा दिया, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया, यही सवाल पूछना आपको, और कोई सवाल ही नहीं है। जिस दिन 73% ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जेब में से हर रोज ये पैसा निकाल रहे हैं, जीएसटी जा रही है मेरी है, पेट्रोल का पैसा जा रहा है मेरा, गैस सिलेंडर का मेरा, मैं टैक्स में भर रहा हूं, जितना पैसा मैं देता हूं उतना अदानी देता है,